वेलकम टू हमारी रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल का हलवा। मैंने 1 किलो चने की दाल को रात भर भिगो दिया था। अब देखिए क्वांटिटी में डबल हो गई है वो। अब मैं इसे बॉईल करूँगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर मैंने दाल में आधा लीटर दूध डालकर इसे बॉईल करने के लिए रख दिया है। जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसे पकाएंगे। देखिए दूध में बॉईल आना शुरू हो गया है। ये देखिए चने की दाल सॉफ्ट हो गई है, इसका दूध भी पूरा सूख गया है। अब इसे मैं ग्राइंड करूँगी। ये देखिए चने की दाल को मैंने फाइनली ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर मैंने देखी में 1 पाउंड फुल देसी घी ले लिया। इसमें मैं इलायची का बघार करूँगी। यहाँ इलायची क्रैकल हो गई है। मैंने जो दाल पीसी थी वो सब इसमें डाल दूंगी। ये देखिए अब इसे जब तक भूनेंगे जब तक ये पॉटरी नहीं हो जाती। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। देखिए दाल को भूनते भूनते आधा पौना घंटा हो गया है। पाउडरी हो गई है। देखिए अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और चाशनी बनाऊंगी। यहाँ पर देखिए देखती में से मैंने दाल निकाल ली और उसी देखती में मैंने दोबारा 2 स्पून करके देसी घी डाला है। इसमें मैं इलायची का बघार करूंगी। देखिए इलायची डाल दूंगी। यहाँ देखिए इलायची क्रैकल हो गई। गैस को कम करेंगे और इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी मैं। यहाँ पर 2.5 कप शक्कर लिए मैंने, वो भी इसमें मिक्स कर दूंगी। 1 तार की चाशनी बनाएंगे। देखिए चाशनी 1 तार हो गई है। देखिए कैसे कंटिन्यूसली गिर रही है बिना रुके। अब इसमें मैं दाल मिक्स कर दूंगी। अब इसे मैं मिक्स करूंगी अच्छे से चाशनी में। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। इसे थोड़ी देर और भूनूंगी जब तक इसके सारे लम्स निकल नहीं जाते। देखिए हलवा का पूरा पक गया है। इसे गैस मैंने बंद कर दिया। अब इसमें मैं ग्रीसिंग ट्रे में निकाल दूंगी। ये देखिए मैंने ट्रे को ग्रीस कर दिया है। अब इसमें मैं हलवा डाल दूंगी। इसे स्पून से लेवल करेंगे। फिर उसके ऊपर ग्रेटेड नारियल डालूंगी मैं। यहाँ पर चांदी का वर्क है मेरे पास, वो लगाऊंगी। ये देखिए मेरे चने की दाल का हलवा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही टेस्टी बनता है, थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है भूनने में।